लेट्स डिस्कस द टॉपिक फूड रिसोर्सिस। तो फूड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं फूड। तो फूड में क्या होता है? एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स। तो फूड प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको इंजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद क्या होता है, वह सेल्स में जाकर, बॉडी के सेल्स में जाकर एसिमिलेट होता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइफ को मेंटेन करता है और ग्रोथ को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो उसको बोलते हैं फूड। तो फूड क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से क्या लाइफ सस्टेन हो पाती है इसे। तो फूड कंसिस्ट ऑफ, फूड में होता क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, नंबर ऑफ मिनरल्स जो हैं वो फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें 2020 की डेटा के हिसाब से, तो लगभग 1.38 बिलियन जो है पॉपुलेशन थी 2020 में। अगर अभी की देखें लगभग 1.40 बिलियन है मार्च 2022 में। तो इसमें लगभग उस हिसाब से 17.7% ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ, इंडिया में रह रही है, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से। तो ये सिंस इंडिपेंडेंस, जब से आज़ादी मिली है तब से 1947 से लेकर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है कंट्री की, वो कितनी है, 3.35 टाइम्स जो है वो बड़ी है पॉपुलेशन इंडिया में तब 1947 से। और अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो लोगों लगभग 2027 तक क्या हो जाएगा, इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगा, क्योंकि चाइना इस समय, इंडिया सेकंड नंबर है पॉपुलेशन में वर्ल्ड में और चाइना फर्स्ट नंबर है। तो 2027 में इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखें इंडिया का, तो इंडिया का ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो है 2.4%, जबकि जो पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है वो लगभग 17.7% है, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो जो लैंड होल्डिंग की अगर बात करें, तो लगभग पर स्टेट में इंडिया की लैंड होल्डिंग है वो है 1.08 हेक्टर्स, जो कि डेटा के, एग्रीकल्चर सेंसस डेटा के हिसाब से। तो और जो फार्मर्स हैं, हाफ ऑफ द इंडियन जो स्टेट्स फार्मर हैं वो क्या है, मार्जिनल हैं। 50% जो फार्मर हैं वो क्या है, मार्जिनल हैं, जिनके पास जो लैंड है वो 1 हेक्टर से भी कम है। और जो कुछ बाकी हैं रिमेनिंग फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास 1 to 2 hectares ऑफ लैंड है। तो इसमें क्या है, इसकी और जो फार्मर्स को मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें भी, जो ये मार्जिनल हैं चाहे स्मॉल फार्मर में, उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, चाहे सीड की हो, जब फूड ग्रेन्स की, और बाकी इसके अलावा क्या है, उनके पास पैसों की कमी होती है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, और अगर वो फूड की प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन करते भी हैं तो उनको मार्केट नहीं मिलती कि उनको बेचने के लिए। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हो गए या मार्जिनल फार्मर, ये क्या करते हैं, इनका शेयर होता है कंट्रीब्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में लगभग 60% है इनका शेयर, जिसमें 49% जो हैं ये क्या करते हैं, राइस जो है प्रोडक्शन करते हैं, जो 40% जो है इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन है वीट के प्रोडक्शन में, 29% कोर्स जो सीरियल्स हैं, और 27% जो दालें वगैरह हैं, और हाफ ऑफ द जो फ्रूट भी कंट्री का प्रोडक्शन होती है वो जो है वो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये डेटा है एग्रीकल्चर जो सेंसस 2015-16 के हिसाब से ये वाला जो है। तो इस हिसाब से देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उनका लेवलीहुड जो है वो चलता है एग्रीकल्चर पर। तो अगर जीडीपी की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो जो है वो 20% से कम है ऑल दो, लेकिन इन कुछ टाइम में जो है इसका क्या है, ग्रोथ जो है प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, वो क्या है, बड़ी है। और इंडिया पहले क्या है, अब क्या है, लगभग सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। पहले क्या था, बैगिंग बोल था कि पहले हमें फूड ग्रेन्स वगैरह बाहर से लेने पड़ते थे जैसे, तो अब क्या है, हम सेल्फ इंडिपेंडेंस बन गए हैं, और इवन हम क्या करते हैं, अब एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारा पोर्शन जो है एग्रीकल्चर के, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी लेवलीहुड है, लगभग 58% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट किस पर है, एग्रीकल्चर पर है, वो प्राइमरी सोर्स है। तो
यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया की जो फूड प्रोडक्शन है वो 291.95 मेट्रिक टन है 2019-20 के डेटा के हिसाब से इतनी थी। और इनका इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि 2021 तक क्या करेंगे 298.3 मीट्रिक टन तक ये पहुँचा देंगे इसकी जो है प्रोडक्शन की, फूड प्रोडक्शन की, जो कि 2% जो है पिछले सालों से जो है वो ज़्यादा होगी। तो और ये भी है जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तेज़ी के साथ इंडिया की, उस हिसाब से इनका टारगेट ये है कि जो बाई 2050 तक जो है वो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये फूड जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए उस तरीके 2050 तक। जो स्मॉल और मार्जिन फार्मर का हमने पढ़ा कि लगभग 60% जो है उनका कंट्रीब्यूशन है इस फूड प्रोडक्शन में, तो इसलिए वो क्या मेजर रोल प्ले करते हैं जो फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है। तो नियरली जो 14% ऑफ पॉपुलेशन है जो क्या है वो आज भी जो है इंडिया में अननरिश्ड है, वो पूरे तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलती, जो कि किसके डाटा के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो 14% जो है अननरिश रहते हैं। और इंडिया जो है वो स्लिप्ड हुआ है टू वर्ल्ड 101 पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर इन द ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है 2021 में, जो 116 कंट्रीज का जो है उसमें से इंडिया का पोजीशन कहाँ पर आई है, 101। तो ग्लोबल हंगर जो है वो इंडेक्स है ये, और इसमें क्या है जब प्रीवियस जो हुआ था 2020 में उस समय इंडिया की पोजीशन थी 94th, तब अमंग कितनी कंट्रीज में आया था 94th, 107 कंट्री में से, तो अब क्या है वो स्लिप करके इंडिया और गिरा है और 101 नंबर है इस समय इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये हम अचीव बाई द ईयर 2030 तक, ये भी हम टारगेट सेट करके चल रहे हैं कि हम क्या करें ज़ीरो हंगर तक हम इसको पहुँचाएँ। तो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो सोर्सेज क्या हैं फूड के, जो स्पेशली यूजली प्लांट्स एनिमल्स और फंगल जो ओरिजिन है वो मेन सोर्स होते हैं फूड के लिए। तो ये क्या करते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, एनिमल और फंगल। तो लगभग अगर बेसिक मेन चीज़ सोची जाए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो फूड का है वो प्लांट्स होते हैं, और लगभग देर आर 300,000 डिफरेंट प्लांट्स हैं इस समय अर्थ पर, कितने 300,000 जो अलग अलग प्लांट्स हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 ही ऐसे प्लांट्स हैं जो जिसके थ्रू क्या करते हैं हम फूड मिलता है ह्यूमन बीइंग को। तो आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जैसे कि वो प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, और इन जो 3,000 जो प्लांट्स हैं इनमें से 150 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम एक्सटेंसिवली जो है कल्टिवेट करते हैं, उनकी कल्टिवेशन करते हैं, और इनमें से भी जो पहले मेजर प्लांट्स हैं जो मेजरली जो सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं हम, इनमें भी जो है 300,000 टोटल प्लांट्स हैं, उनमें से 3,000 जो हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग को, उनमें से भी जो है 150 प्लांट्स ही हैं जिनको हम एक्सटेंसिवली कल्टिवेट करते हैं, और उनमें से भी 12 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मेजरली जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं सोर्स, एज ए सोर्स है फूड का। तो ये जो बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लासेस होते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स हो गया, जैसे वीट, राइस, कॉर्न जो है ये मेजर, इसके अलावा रूट क्रॉप्स में हो गया पोटैटो, स्वीट, रेडिश, जो कि जिनकी रूट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा शुगर क्रॉप्स जैसे शुगर केन, शुगर बीट, ये हो गया। बीन क्रॉप्स में हो गया जो दालों वाले हैं, कॉमन बीन, सोयाबीन हो गया ये। ट्री क्रॉप्स, ट्री भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हम जिनसे हमें फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे बनाना, कोकोनट, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अलावा क्या है, एनिमल भी सोर्स ऑफ फूड होते हैं और फंगल भी होते हैं, जैसे मशरूम है जो क्या है फंगल का सोर्स है वो फूड का। तो इसके एनिमल फूड्स इंक्लूड द लाइफ स्टॉक, फिशरीज, पोल्ट्री, सी, हनी, ये एनिमल फूड प्रोवाइड करते हैं। इंडिया जो है इनफ फूड जो है पॉपुलेशन इस समय जो है प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बहुत सारा जो है फूड प्रोडक्ट जो है वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और 1960s से पहले जो है जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, हमें बहुत सारा फूड जो है बाहर से जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाने पड़ते थे, इंपोर्ट करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960s में,
जिसमें एम एस स्वामीनाथन जी जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के, तो उसकी वजह से थ्री स्टेट्स में जो है खासकर वीट का प्रोडक्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करना शुरू किए थे हमने, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ करना शुरू किया, इसके अलावा इरीगेशन करने शुरू की, तो उस वजह से क्या हुआ इन स्टेट्स में जो वीट प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, और बाकी भी तो इसमें जो हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ किए हमने, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया, इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी की, तो जिसकी वजह से क्या है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा था। तो इस तरह के इस कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम 2050 तक जो है आज का जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड उसको हम डबल कर सकें पॉपुलेशन के हिसाब से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक फूड रिसोर्सेज। थैंक यू।